इस वक्त रात के 11:30 बज रहे हैं, 44 डिग्री टेम्परेचर आज रहा और दिन भर लाइट की लुका छिपी से परेशान ये गोविंद गार्डन के निवासी आज यहाँ फिर से सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं। जी हाँ, आऊंगा आपके पास। हाँ सर, रात को ही बहुत ज्यादा परेशानी। हाँ, बच्चे भी नहीं सो पा रहे बिल्कुल रात में ही। और जी जब भी अम्मा शिकायत करने जाते वहाँ तो कोई मिलता नहीं, एक ही आदमी मिलता है केवल, वहाँ वो बोल देता है गाड़ी अभी तो गई है वहाँ, और फिर कहते हैं हम सामान लेने जा रहे हैं कि गाड़ी का। सुबह 7 बजे बोल रहे थे, आइए इधर आइए आप। रात भर परेशान करती रहती है लाइट, और लाइट जो है बच्चे सो नहीं पाते, और जब रात भर दिन भर तो काम करते रहते हैं और रात में सोने का टाइम आते है उसी टाइम पे वो लाइट जाती है, और एक बार नहीं जाती 50 बार लाइट जाती है। अपन तो बिल दे रहा है उसके बाद भी तो परेशान हो रहा है, बिल दुगना आ रहा है, पहले से 4,000 रुपए आ रहा है। बात शिकायत करने जाते हैं 14 दिन पहले यहाँ तहसीलदार साहब आए थे, जाम लगा था 14 दिन में, उन्होंने कहा था एक नई डीपी लग जाएगी यहाँ, और आश्वासन दिया था। उन्होंने कुछ झूठ भी बोला था, यहाँ अवैध कनेक्शन है, कोई अवैध कनेक्शन नहीं है। उसके बावजूद आज तक कोई व्यवस्था नहीं की, केवल झूठे आश्वासन देकर चले गए वो लोग। और अगर ऐसी स्थिति रही तो कल फिर चक्का जाम लगे हैं, और ये बड़ी बुरी स्थिति है गुना जिले की। और क्या बताऊं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं सर है, रोड से उठेंगे नहीं हम तो यहाँ पे, और अलग से रखवाओ आप, भले परेशानी हो रही बहुत ज्यादा। बहुत बात दे चुके गोविंद गार्डन की कह रहे हैं हम गोविंद ट्रांसफार्मर रखा नहीं होता है तब तक ये परेशानी रेगुलर रहेगी। गोविंद गार्डन में जितनी भी ये दिक्कतें आ रही हैं, ये जो गोविंद गार्डन का डेवलपमेंट है मेन सारी मानो भाई, सबसे ज्यादा दिक्कत उसी की है। आज दिन भर केबल फॉल्ट किस लिए हो रही है भाई, लोड बढ़ने के कारण, लोड ज्यादा है इसीलिए। भाई वो ही तो कह रहा है जब तक वहाँ पर ट्रांसफार्मर नहीं रखा होगा तब तक ये दिक्कत रहेगी, और डेली ये निकाय जब बिना ट्रांसफार्मर के नहीं हो पा रहा। कल भी रात के एक हफ्ते पहले भी ऐसा नहीं, प्रशासन ने ट्रांसफार्मर भी बदल दिया 2-2 बार, आज दिन में 3 बार केबल भी शॉर्ट हुई, उन्होंने केबल भी बदली है। अब फिलहाल में भगवान जाने, उनका कहना यह है कि बड़ी लाइन खराब हुई है, कब तक आती है, 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है, और शायद कल भी मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी सुकून से। भैया फिर ये सारी समस्याएं गोविंद गार्डन में क्यों आ रही है? गोविंद गार्डन में बस एक व्यवस्थित कॉलोनी डेवलप ना होना मेन कारण कह सकते हैं। तो ऐसी तो 72 कॉलोनी है गुना में, लेकिन अब यहाँ पे लोग बाग भाई ट्रांसफार्मर रखने के लिए, जैसे कि अभी विद्युत मंडल वाले कह रहे थे कि हमको लाइन खींचने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं, या ट्रांसफार्मर रखने को जगह नहीं दे रहा है, जबकि प्रशासन अगर चाहे तो वो किसी भी जगह से लाइन खींच सकता है, लेकिन वो खुद भी जानबूझ के ढील डाल रहा है। बिल्कुल, आपको क्या जरूरत है कहीं जगह तलाशने की, सारी जगह आपकी है भाई, गवर्नमेंट की जगह है ना पूरी, गवर्नमेंट मर्जी है वहां से ले सकता है कोई भी व्यक्ति। कौन होता है मना करने वाला कि नहीं साहब आप हमारी जगह से लाइन लेके, ये तो मूलभूत सुविधाओं में से एक है ना लाइट की व्यवस्था। बिल्कुल भाई, इसको तो सब जगह से एनओसी ली उसके बावजूद मिली लाइट नहीं, मतलब नहीं, मसला ये नहीं है कि कितने मकान वैध है कितने अवैध है, अवैध कोई नहीं है। हाँ बैंक के का इन्होंने चार्ज लिया है कनेक्शन देने के लिए, इन्होंने चार्ज लिए है, बगैर अवैध मकान कोई नहीं है। तो फिर कई लोगों ने परमिशन ले लिया था, मैं तो उनमें से हूँ ना जिनने परमिशन लिया, डायवर्सन कराया, सबका पैसा जमा किया, मैंने रोड का भी पैसा जमा किया, रोड जलेगी तो चल जाएगी, उसके बावजूद लाइट नहीं मिल रही, किसी को नहीं मिल रही। नहीं तो इसमें नहीं, आपकी जो कॉलोनी है कॉलोनी में कहीं ऐसा एरिया है क्या कि एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं मिल रही और दूसरे एरिया में लाइट मिल रही, ऐसा कुछ है? ना कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मेंबर हो ना, क्या बोलना है बताइए।
ये सब लोग देखिए आप यहाँ पर आधी रात को 11:30 से ज्यादा टाइम हो रहा है यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये सब बेचैन हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, लाइट वालों को कोस रहे हैं, ऐसा क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत तो सामने दिख ही रही है सबको कि लाइट नहीं है, कल से लाइट जा रही है, सब परेशान, बच्चे परेशान हो रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं, और इतनी गर्मी में लाइट पानी नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा, है ना? पहले भी लाइट आ रही थी तो बोलते हैं आ रहे थे, जिससे कि ना कि पंखा चल रहे थे ना कूलर चल रहे हैं, बच्चे गर्मी में बहुत परेशान हो रहे हैं, बच्चे गर्मी में इसको क्या है, इतनी रात हम लोग बाहर घूम रहे हैं कि आप घर में क्या करेंगे, मतलब परेशान हो रहे हैं, बड़े सहन कर सकते, बच्चे सहन नहीं कर सकते, ये चीजें है ना। बिल्कुल, ये लोग झगड़ाता कर रहे हैं सड़कों पर आकर कि किसी तरह से ये समय निकल जाए और लाइट आ जाए, पंखे कूलर चल जाए, तो बच्चों को भी पानी नहीं है पीने को, यूज करने के लिए पानी नहीं है, बाहर जा रहे हम लोग होटलों में खाना खा के आ रहे हैं, क्या करें, होटल से आने का मन नहीं हो रहा था कि घर जाकर वही गर्मी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए बाहर ही समय बिताया जाए। ये देखिए अच्छे भले लोगों को बेघर करने का ये काम हो रहा है, कम से कम जिम्मेदार लोग हैं आप, समझ लीजिए अपनी जिम्मेदारी का तो एहसास करिए कम से कम, बार बार इन लोगों को सड़कों पे आना पड़ रहा है। हाँ तो सड़क भी तो होनी चाहिए ना, रोड है ना, पानी सड़क का है यहाँ पर नहीं, यहाँ इस सड़क पर आना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन हमारी साइड में सड़क नहीं है। खैर सड़क की समस्या भी है, पानी की भी है, बिजली बहुत ज्यादा समस्या भी, गर्मी में मेन लाइट की समस्या बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि लाइट के कारण पानी भी नहीं आ रहा, हम लोग का बोरिंग का तो पानी भी नहीं है घर में, तो इसके कारण बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, मान के चलो आप। हाँ। बच्चे से ही पूछ लेते हैं, परमानेंट व्यवस्था आप बताओ भैया। बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लाइट भी नहीं है तो गर्मी भी लग रही है और पानी तो है ही नहीं, तो बहुत दिक्कत हो रही है। हमारी फैमिली पहले गांव में रहती थी, हम लोग फैसिलिटीज के लिए सिटी में आए थे कि यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी, बट यहाँ पे तो उस गांव से भी ज्यादा खराब फैसिलिटीज है, मतलब क्या सिटी में रहना भी गलत बात हो गई है। ये बच्चे बोल रहे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे, सुन लो और समझ भी लो। हाँ ये बोलते हैं, इसका उपाय होगा बोलते, क्यों नहीं होगा, कोशिश, वो कहते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो इसलिए आप लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं ना, एक दिन तो बिजली की और रोड की समस्या है, ये बस करवा दो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिलहाल तो ये जितने भी लोग हैं ना उनके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है कि इलेक्ट्रिसिटी इनको चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, वोल्टेज वोल्टेज बहुत कम आता है यहाँ पर, वोल्टेज आप जैसे ये है, अगर लाइट भी आ जाती है तो वोल्टेज की समस्या बरकरार रहती है, कुल मिलाकर परेशानी का जिस तरह से समाधान होना चाहिए वो कहीं ना कहीं इन लोगों को नहीं मिल रहा है, और इस तरह से ये लोग बार बार आखिर कब तक सड़कों पर आकर आवाज उठाते रहेंगे। नहीं नहीं जैसा फालतू बातें हैं, अकेली सिर्फ गोविंद गार्डन अवैध है क्या, 50 का, अरे है मान लिया, सिर्फ यही कॉलोनी अवैध है। ये संगमरमरी अलमारियां और आपके मकान की वॉल को मैच करते हुए ये फर्नीचर, आप इस तरह से देखते जाइए, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ यही है आपकी राइट चॉइस। और ये सोफे आप देख सकते हैं, जैसे कलर का आपका मकान की तर्ज पर यहाँ पर पहले से ही तैयार किए हुए हैं ये फर्नीचर। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी जेब इजाज़त दे रही है या नहीं, जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ये देखिए डाइनिंग टेबल, बहुत ही शानदार सागौन की लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर, जी हाँ, जिसकी खास डिमांड रहती है, सिर्फ डिज़ाइन नहीं बल्कि मजबूती भी बेमिसाल है। और इन आकर्षक फर्नीचर्स को देखने के बाद लगता है कि वाकई में बुना शहर में भी ऐसी कोई जगह है जहां हमें अपने मनमाफिक फर्नीचर मिल जाएगा। ये डाइनिंग टेबल भी बहुत आकर्षक है जी, छोटा परिवार
सुखी परिवार चार लोगों के लिए किए सभी कंपनियों के ब्रांडेड डबल बेड्स और क्वालिटी के साथ यहाँ कोई समझौता नहीं मिलेगा। बेहद आकर्षक, मजबूत और अत्याधुनिक, इतने शानदार और शाही सोफे हैं कि ऐसा लगता है कि बैठ जाओ और फिर बैठे ही रहो। पूरे 22 साल से विश्वास का प्रतीक है ये गोपाल फर्नीचर हाउस और शायद इसीलिए आज भी लोगों को खींच लाता है, चाहे शादी विवाह हो या घर में जरूरी आइटम आपको लेना हो, गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत एकमात्र। मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।